नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सहजन की सब्जी बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सब्जी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा पोस्ता दाना डाल लिए मिक्सी जार में। अब एक प्याज काट लिए हैं, दो लहसुन निकाल लिए हैं और 5 से 6 लाल मिर्च है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे पीस करके हम तैयार कर लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब एक तरफ हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो इसमें हम थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे और जल जाने के बाद इसमें हम सारा आलू कटा हुआ डाल देंगे। सारे आलू को अच्छे से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे पहले। उसके बाद हम ये जो सहजन है इसे हम 400 ग्राम सहजन है इसे छील करके अच्छे से साफ कर लिए। जो पतला वाला है उसे नहीं छीले, जो मोटा वाला है उसे छील करके तैयार कर लिए हैं। मसाला भी हमारा रेडी है, टमाटर भी 4 रफली काट लिए हैं और इधर आलू फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम सारा सहजन डाल देंगे। सहजन को ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं क्योंकि सहजन में बहुत पोषक तत्व है, इसीलिए हम इसे बस 1 मिनट चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और इसे चलाने के बाद बस मिलाएंगे 1 मिनट और उसके बाद सारा मसाला डाल देंगे जो पीस के हम तैयार किए हैं। मसाला भी अच्छे से हम मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट मसाला फ्राई करेंगे। उसके बाद हम टमाटर डाल करके अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से मिला लेने के बाद इसे हम ढक ढक करके पकाएंगे। करीब 5 से 7 मिनट हम ढक ढक करके इसे पकाएंगे। देखिए इससे क्या होता है कि मसाला भी अच्छे से पक जाता है, सहजन भी और टमाटर भी अच्छे से गल जाता है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है, हमारा टमाटर भी अच्छे से गल चुका है, आलू भी पक चुका है, सहजन ज़्यादा अभी नहीं पका है, पकाना भी नहीं है, नहीं तो सहजन ख़राब हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम पानी अपने हिसाब से डाल दीजिए जितना आपको ग्रेवी पसंद है। अभी देखिए अभी सहजन कच्चा है तो इसलिए इसे हम फिर 5 से 7 मिनट इसे हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इससे सहजन हमारा अच्छे से दिखने में अच्छा लगता है, गलता नहीं है, टूटता नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर